हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम को हम डिस्कस करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट स्कीम है, हर एक टीचिंग एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। किसके लिए है ये विद्यालय, कौन कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, किस पर्पज से बनाए गए हैं। सो वहाँ से ये चीज़ें शुरू होती है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सो ये सभी एग्जाम्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। इन जनरल ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिएगा। गर्ल एजुकेशन वैसे भी बहुत जरूरी है और हम इसमें ऑलरेडी NIOS का जो मटेरियल मैं करवा रही हूं वो सिर्फ DSSB या NIOS के बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, वो इन जनरल भी आपके लिए जरूरी है अगर आप एजुकेशन से हैं या टीचिंग के फील्ड में हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सके। ओके, सो आपको KG BV के बारे में अच्छे से सुनना है ताकि आपको चीजें समझ आए। अगर आपको समझ आए तो आप इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो अगर समझ आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। ओके, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सो एक जेंडर और सोशल कैटेगरी का जो गैप आ रखा है ना सभी लेवल पे, स्कूल एजुकेशन में सभी लेवल पे, उसको ब्रिज करने के लिए, ब्रिज क्यों बनाते हैं हम, दो चीजें बहुत दूर दूर हैं वो ब्रिज बनाते हैं ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें या जो वो गैप है उसको मिटाया जा सके। तो जो जेंडर और सोशल कैटेगरी में गैप है उसको ब्रिज करने के लिए ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव था, ब्रिजिंग वाला। उस मेजर ऑब्जेक्टिव किसके अंडर, समग्र शिक्षा के अंडर जो है ये शुरू किए गए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ओके, सो 2004 में ये लॉन्च हुए थे। कहाँ लॉन्च हुए थे, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में लॉन्च हुए थे, जहाँ पर जो हमारे नेशनल एवरेज है ना लिटरेसी रेट का, फीमेल लिटरेसी रेट वो कम है नेशनल एवरेज से। मतलब उस ब्लॉक में, उस तहसील में आप क्या देख रहे हैं, रेट देख रहे हैं कि इस तहसील में फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, और उस फीमेल लिटरेसी रेट को हम नेशनल फीमेल लिटरेसी रेट, नेशनल लेवल पे जो एवरेज फीमेल लिटरेसी रेट है तो उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और तो जहाँ पे जिन ब्लॉक्स में फीमेल लिटरेसी रेट तो कम है नेशनल एवरेज से, और जो जेंडर गैप है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। सो फीमेल लिटरेसी और जेंडर गैप हमें यहाँ पे देखना है। फीमेल लिटरेसी नेशनल एवरेज से अगर कम है, जेंडर गैप अगर नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, सो ये दोनों सिचुएशन में हम एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं, वहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए थे। कैपेसिटी क्या थी, 100 गर्ल्स, स्पेशली SC ST और माइनॉरिटी ग्रुप की गर्ल्स के लिए। ओके, कॉन्सिक्वेंटली हम चाहते सिर्फ इतना सा है कि गर्ल्स का पार्टिसिपेशन एजुकेशन में बढ़े, उसको एनकरेजमेंट मिले। तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं अपर प्राइमरी लेवल पे और जो गर्ल्स हॉस्टल हैं सेकेंडरी लेवल पे, हम उनको एक्सटेंड कर रहे हैं। यानी कि ये छठी से जो है 6th to 12th के लिए ये स्कूल्स थे, मतलब शुरुआत में जब बनाए गए थे, लेकिन 11th और 12th के लिए रेजिडेंशियल थे लड़कियों के लिए। ओके, प्लस अब क्या कर दिया हमने, हमने छठी से 12th तक ही इसको क्या कर दिया, रेजिडेंशियल कर दिया, स्कूलिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दी हमने, इसका एक्सटेंशन कर दिया, इस स्कीम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। तो ये स्कीम अब जो है वो क्या करती है, एक्सेस और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है गर्ल्स का। कौन सी गर्ल्स, जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से आती हैं। कौन से डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी या फिर BPL जो फैमिलीज हैं उनके। ओके, और कौन से एज ग्रुप रहेगा, अगर छठी से 12th तक की है तो 10 to 12 ईयर्स की एज ग्रुप उनमें रहेगी और इस क्लास की वो होनी चाहिए। ठीक है, छठी से 12th तक की, तो एक ट्रांजिशन, ताकि एक वो होता है ना स्मूथ ट्रांजिशन, कि 5th तक जो चीज़ें आपने पढ़ी 5th से 6th में एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सके एलिमेंट्री टू सेकेंडरी एंड देन अप टू 12th क्लास, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ ये चीज़ें हमने करने की कोशिश की है और ये स्कीम इस चीज़ को सपोर्ट करती है। ओके, सो टेक्निकल क्वेश्चंस ये हैं कि पहले जो रेजिडेंशियल स्कूल्स इन्होंने इनिशियली किए थे वो 11th 12th के लिए रेजिडेंशियल थे, बट ओवरऑल हम जब से जब भी पूछा जाता है तो हम कस्तूरबा जो बालिका विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, हम उनको क्या बोलते हैं कि ये रेजिडेंशियल हैं। ओके, और अब तो डेफिनेटली क्योंकि इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है, हॉस्टल भी और जो बाकी स्कूलिंग फैसिलिटीज हैं वो अप टू 12th क्लास ये स्कीम में कवर की गई हैं, एक्सटेंड की गई हैं, सो इसलिए तो डेफिनेटली हम रेजिडेंशियल इनको बोलेंगे। ओके, सो ये जो फैसिलिटी है ना ये बोलते हैं कि एटलीस्ट एक रेजिडेंशियल स्कूल जो है गर्ल्स के लिए 6th to 12th हर एक एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में होना चाहिए। एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक को EBBs भी लिखा जाता है। सो एक मतलब अगर एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक है तो उसमें कम से कम एक जो है ये स्कूल होना चाहिए।
अभी स्कूल में ऐसा क्या होगा, स्पेशल फीचर्स क्या होंगे इस स्कूल के। सो ये एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा गर्ल्स को जो कि थिन पॉपुलेटेड हिली एरियाज में रहती है, मतलब वहाँ पॉपुलेशन कम है, हिली एरियाज हैं, सो वहाँ पे एक बेटर क्वालिटी एजुकेशन इनको प्रोवाइड करेंगे। अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे नॉन एनरोल्ड गर्ल्स को, इंक्लूडिंग जो ग्रोन अप गर्ल्स हैं ना रूरल एरियाज में, उनको भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी पढ़ने के लिए। ओके ये इक्विप मतलब इक्विप करेंगे जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको नॉर्मल स्कूल में डालने के लिए, ताकि एक ब्रिज कोर्स जो है वो, मतलब उस ब्रिज कोर्स के थ्रू हम क्या चाह रहे हैं, ये जो स्कूल है ना यहाँ पे एक ब्रिज कोर्स बनाया जाएगा। यानी वो अगर आप जो है एज के हिसाब से आप होने चाहिए सिक्स क्लास में, लेकिन आप आज तक स्कूल गए ही नहीं है, सो एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा जिसमें डायरेक्ट जो है उस ब्रिज कोर्स के बाद आपको एज के हिसाब से अपनी क्लास में डाल दिया जाएगा। यानी अब आपको फर्स्ट टू फिफ्थ करने की जरूरत नहीं है, वो ब्रिज कोर्स आपका फर्स्ट टू फिफ्थ तक का काम करके देन आपको सिक्स्थ में बिठाएगा। ठीक है, सो हम ये इक्विप ये तीन चीजों से भी इक्विप्ड हैं। देन हेल्प्स टू परस्यू एजुकेशन फ्री फ्रॉम डोमेस्टिक कोर वर्क एंड सिबलिंग केयर, तो यहाँ पे ताकि वो, क्योंकि हॉस्टल में भी रह सकती हैं आराम से, उनको एजुकेशन जो है यहाँ पे फ्री में मिलेगी, और प्लस जो डोमेस्टिक कोर वर्क जो लड़कियों को अक्सर करना पड़ता है या बहन भाइयों की ध्यान रखना पड़ता है, सो वो चीज़ के बिना यहाँ पे उनको एजुकेशन प्रॉपरली दी जाएगी। ठीक है, प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल फैसिलिटीज टू क्रिएट अ फ्री एनवायरमेंट फॉर लर्निंग। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज इसीलिए हैं ताकि ये ना हो कि क्लास में चलो जितना पढ़ा वो पढ़ा, घर जाके वो पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि अगेन जो घर पे जो काम करवाया जाता है लड़कियों से या जो अपने बहन भाइयों के ध्यान रखने को बोला जाता है, तो उसकी वजह से ये रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है ताकि एक फ्री एनवायरमेंट जो है लर्निंग का वो फ्री होके सीख सके। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर स्लो लर्नर्स एंड रिपीटर्स, तो उनको एक्स्ट्रा कोचिंग मिलेगी। लाइफ स्किल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। प्रोवाइडिंग गर्ल्स फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो गर्ल्स के एक मतलब होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप उसी तरीके से बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। NEP 2020 में भी ये पैराग्राफ मेंशन है डिट्टो, वो बोल रहे हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो हैं उनको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन और एक्सपेंड करना है, ताकि हम इंक्रीज कर सके पार्टिसिपेशन किसमें, क्वालिटी स्कूल्स में, किस गर्ल्स का, कहां कौन सी गर्ल्स का जो सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के साथ आती हैं। तो बस इतना ध्यान रखिए NEP 2020 में भी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उनके स्ट्रेंथन करने की बात की गई। ओवरऑल हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक तो हम बेटर जो है क्वालिटी एजुकेशन गर्ल्स को प्रोवाइड कर सके, और दूसरा जो जेंडर डिस्पैरिटीज हैं या जो सोशल कैटेगरी के बेसिस पे एक गैप आ गया है उसको कम किया जा सके, उसको उसके एक ब्रिज बना जा सके, और वो ब्रिज क्या है, वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उस ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है जी, सो ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट थी, पूछ ली जाती है अक्सर, मैंने करवाया नहीं था ये टॉपिक, तो आज ये टॉपिक भी हो गया है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।